हाथ उठा के तारीफ करिए, कमेंट लिया अपनी अखा बंद करके तारीफ करिए, धन्यवाद करिए जिंदे परमेश्वर का, जिन्हें सानू धरती से जिंदे रखे उनका धन्यवाद करिए। हालेलुया धन्यवाद करते आपू कहो तारीफ करके दूसरा भी करा। हालेलुया आपू कहो का मतलब दूसरा भी करा पा सारे जी तो सुनाए को। हालेलुया तारीफ धन्यवाद करते उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया बंधन महिमा करने वाली टूटदे आ, रात नु खाना खा के सौ गए सवेर नु बंधन नहीं टूटदे फिर। हालेलुया ओदी महिमा करांगे ओदी बड़ियाई करांगे, प्रभु साडे सारे मनुख पूरे करदा जदों ओदी महिमा करदे आ, ओदे डर खौफ च रहिंदे आ, ओदी बड़ियाई ओदी स्तुति ओदी आराधना करदे आ। हालेलुया सब अपनी अखां बंद करिए, साडे विस्तार पास्टर विजा जी उन्हां नाल मिल के प्रेयर करा। मेहमान करन जा रहे बेटिया मिल के प्रसन्न जावांगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूं पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूं पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति
साथ चलूंगा दया कर पाऊंगा। हालेलुया। जदो प्रभु दे नाल असी वफादार होवांगे, क्योंकि जदो आप सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू वफादार आ, तेरिया वफादारियां लई, तेरिया भलाइयां लई तेरा की करते हैं, शुक्र करते हैं। हालेलुया। ते जदो असी प्रभु दे नाल वफादार आ, वफादार रहांगे, प्रभु साडे नाल ना रहेगा, फिर असी की करांगे, दया कर पावांगे, फिर ही साडे ते परमेश्वर दया करेगा। जे प्रभु दे नाल साडा प्रभु भी साडे नाल होवे तां फिर ही दया, फिर ही साडे ते कृपा हुंदी आ। ते प्रभु नाल कदा रहेगा, जदों प्रभु दे नाल असी वफादार रहांगे, प्रभु दे कम्मां नूं पहल देवांगे, प्रभु दी हजूरी विच उहदे हर वक्त उहदे कदमां च ओदे चरणा च गुटने टका के सिर नूं नवा के ओदी बड़ाई ओदी स्तुति ओदी आराधना करांगे, तां ही प्रभु साडे नाल रहेगा, तां ही साडे ते ओ की करेगा, कृपा करेगा। हालेलुया। साधा अपनियां अखां बंद करके साडे विचार भाई सुनील ए दलीप जी आ, उहनां दे नाल मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सर्व शक्तिमान यहोवा जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति आराधना करते हैं खुदा। तू महान है मेरे प्रभु, तू जो स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर, तू ही आदि है, तू अनंत काल का परमेश्वर जी। हे मेरे पिता, तू महिमा के योग है खुदावन जी, तू ही एकमात्र सच्चा योग परमेश्वर पिता, तो जो शांति का राजकुमार, तो दया का बहता सागर हो मेरे प्रभु। हम तेरा ही नाम की स्तुति करते हैं प्यारे खुदावन जी, तेरे नाम की हम महिमा देते हैं प्रभु यीशु पिता। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। तो जो पिछले समय से लेकर प्रभु तो हमारी रक्षा रखा लेकर प्रभु, आज सुंदर समय, आज का सुंदर दिन, आज की जो इस खुशहाली के दिन में प्रभु हमें लेकर जो आज की से सुंदर दिन दिखाया खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर जी, तेरी स्तुति करते खुदा, मैं खास करके तेरे जितने भी दूरों आए दासों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। मेरे परमेश्वर, तू जो महान हो मेरे खुदावन जी, तू महिमा के जोग मेरा परमेश्वर जी, तू ही स्तुति के जोग मेरा परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते इस जगह प्रभु यीशु मसीह, हम जितने तेरी तेरी महिमा में रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे आत्मा तेरे सामर्थ्य जगह कार्य करे खुदावन जी। और जो भी पिता दास जी जो वचन लेकर आए मैं परमेश्वर, जो भी वचन खुदावन जी समय बोले प्रभु यीशु मसीह, जितने गहरी गहरी बातों को प्रभु यीशु मसीह समय बोल सके मेरे परमेश्वर, तो अपने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह चला मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। समय जितने तेरी खुदाई जगह में उपस्थित है पिता, अब एक एक को अपने आत्मा को द्वारा चलिए प्रभु यीशु मसीह, और हम धन्यवाद करते हैं बाकी सारा समय को तेरे हाथ में देते, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, एक भजन असी भाई सतपाल नाम लेके गावांगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी जो साडे विचकार। माड़िया हालातां विच टुटी ना कदी, यीशु अगे बैठ गोडियां नूं टेक लई। माड़िया हालातां विच टुटी ना कदी, यीशु अगे बैठ गोडियां नूं टेक लई। पक्के विश्वास नाल कर लैंदा वा, पक्के विश्वास नाल कर लैंदा वा। Thank you.
झुकना नहीं चाहिए। परमेश्वर की बाणी ये गल कह रही है, तू ना डर ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे अंग ते संगा। हाले लोहिया, क्योंकि परमेश्वर सानू झुकन नहीं दिंदा कदी भी। हाले लोहिया, माड़िया हालातां नू रहण नहीं दिंदा प्रभु। पक्के विश्वास दे नाल जे घुटने टेक के अथरू बहा के और ओदे अगे अरदास बेनती करके ते ओ साडे अथरुआं नू व्यर्थ नहीं जान दिंदा। हाले लोहिया, परमेश्वर दे वचन च भी लिखिया, करगे जे विश्वास ते सब कुछ हो सकदा, नेजा अगे नहीं पहाड़ खलो सकदा। दुखा मुसीबतां दे पहाड़ां नू यीशु मसीह दे नां ते तुसी हुक्म दियोगे ते उखड़ के समुंदर विच चले जाणगे। पर ताडा विश्वास मजबूत होना चाहिदा। बहुत वधिया रब दे सेवका ने भजन लिखिया, गाया भी ओदी बड़ियाई कीती आ। विश्वास ही सब कुछ करता है। आइए अपनी अखां बंद करिए, पास्टर सुखदेव जी नाल मिलके प्रार्थना करांगे। उस तों बाद बाकी दा सारा समां जिहड़ा ओह रब दे दासां दे असीं अपने कृपा करो जलाल दे बादशाह जो गीत भजन गा के हम तो सना की खुदा तेरे नाम ते कृपा जुए सब ते दया कर और हर बदन तेरे लोहिया और इस कार्य तेरी रहम तेरा फजल भी जिनी संगत आई खुदा इन्हों आशीष जलाल ना पर तेरे लोहिया और ताड़े जलाल और ताड़ी महिमा दे नाल हो प्रभु जी सब ते दया कर ते धन्यवाद जो तेरा दास वचन दे जा रहा तेरे नाम ते कृपा जुए और ताड़ा जलाल हो और दास नु तरक्की दे पूरे देशां विच जाके रास्तां विच जाके वचन दे से दे सके और जलाल दे बादशाह ते लोहिया तेरी रहम तेरे लोहिया आत्मा परमेश्वर और जिन्ने दास आए ने उन्हां सारे तेरी रहम तेरे वचन हुई तेरी कृपा लोहिया अगना शुरू ते धन्यवाद हुई तुसी दया करो कृपा करो इस नगर ते तेरी रहम तेरा फजल हुई और जलाल दे बादशाह तुसी महान न्याय सब दया करो कृपा करो और सेवादारा तेरी कृपा हुई साज बोलाना तेरी कृपा हुई न्याय सब दया करो कृपा करो जो तेरा बच्चा गीत कर रहा खुदा ओ तेरी दया कर ओदी फैमिली ते ओदे जियां ते ओदे बच्चा ते दया कर जलाल दे बादशाह तुसी महान न्याय सब दया करे कृपा दे जोग तू यीशु दे लोहिया तू यीशु सब ते दया कर जलाल दे बादशाह तेरी रहमत तेरा फजल भी और सारे जियां ते तेरी रहमत भी दासा सेवका ते तेरी रहमत भी इस नगर ते दया कीती इस भवन च तेरी कृपा हुई जलाल और महिमा छुड़े ते दरबार और बेतन कबूल की तेरे लोहिया और यीशु से ने पुतना सुने आमीन। हालेलुया। साडे विचकार रब दे दास आदरणीय जो पास्टर विनोद कनौजिया जी जिन्होंने बहुत सारे देशां दे प्रभु दा धन्नवाद कीता असीं प्रभु दी महिमा दी जोर नाल ताड़ी मारांगे। जेड़ा मंगदा है सो पौंदा है खड़कावे जो खुल जांदा है रहमत दा पानी यीशु जी दुखियां नु गलगल लौंदा गहरे जख्म दिलांदे गहरे जख्म दिलांदे यीशु तो सकदा करिए सब कुछ रो सकदा करिए
परमेश्वर की वाणी से लिखा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। फिर परमेश्वर की वाणी से भी लिखा है नेचा करने वाले लिए सब कुछ संभव है। पहला लिखा है परमेश्वर लिए सब कुछ संभव है, फिर लिखा है विश्वास करने वाले लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जे परमेश्वर लिए सब कुछ मुमकिन है ते नीचा करने वाले लिए भी सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए सर। स्वर्गीय पिता मैं नेचा के रूह उस जगह खोलना, नेचा का रूह इस जगह मंडलाए। हालेलुया। नेचा का रूह मंडलाए। हालेलुया। हालेलुया। राजा जी, राजा जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है। शाफी जी प्यारे मसीहा, शाफी नस में मेरी रग रग में दिल की धड़कन में यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है, यीशु यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है, यीशु राजा हमारे दिलों में बदलाया। हमें अपने करीब लेके आ खुदा यीशु मसीह, तेरे खून की कुदरत को जगह मत देना, तेरे रूह के मसा को यीशु मसीह के जलाली नाम। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों में मनन करेंगे।
हालेलुया। अभी बाइबल खोलें और निर्गमन की पुस्तक, जिसे पंजाबी में खरूस की किताब कहते हैं और उर्दू में खरूस की पुस्तक बोलते हैं, खरूस की किताब। हालेलुया। खरूस की किताब उसका 13 अध्याय पढ़ो, निर्गमन का 13 अध्याय और उसके 11 वचन से पढ़िए। हालेलुया। निर्गमन 13:11 से, निर्गमन 13:11 से। हालेलुया। निर्गमन 13:11। पढ़िए। यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमने भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर ने कसम खाई है, शपथ खाई है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कसम खा के, शपथ खा के वादा करता है कि उस देश में तुम्हें पहुंचाएगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जो कनानियों का देश है, उसका वायदा तुम्हारे साथ किया है। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हों, उनको तुम्हारे पशुओं में से और जो तुम्हारे पशुओं में से हों, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे को यहोवा के हैं। परमेश्वर ने इसराइलियों को एक व्यवस्था दी, एक नियम दिया। और से सुनिए, क्या नियम दिया परमेश्वर ने? कहा जो बच्चा माँ की कोख को खोलेगा और नर होगा, वो किसको दे देना है? परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जो माँ की कोख को खोलने वाला नर बच्चा होगा, वो भी किसे चढ़ा देना? यहोवा को। और जो जानवर की कोख को खोलने वाला नर होगा, वो भी किसे चढ़ा देना? यहोवा को। क्योंकि नर पहलौठे किसके हैं? यहोवा के हैं। यहोवा ने एक नियम दिया, गौर से सुनिए, कि हर पहलौठा बेटा मुझे दे देना। किसने ये हुक्म दिया? यहोवा ने। अगर तुम पहलौठा मुझे दोगे, मैं तुम्हारी स्त्री की कोख को बलवंत करूंगा और वो बहुत से बच्चे जनेगी और तुम्हारा घर भर जाएगा, तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार फलवंत होगा और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और अपनी करुणा तुम्हारे ऊपर बरसाऊंगा। तो प्रभु ने सबसे पहले नियम ये दिया कि पहलौठा अगर लड़का होगा तो किसका है? यहोवा का है। इसराइल को ये नियम दिया। अगर जानवर का पहलौठा होगा, किसको चढ़ा देना? यहोवा को। लेकिन अगर हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यहोवा ने व्यवस्था में ये कहा कि जितने शुद्ध जानवर हैं उनके पहलौठे तो यहोवा को चढ़ाना, लेकिन अशुद्ध जानवर का पहलौठा यहोवा को नहीं चढ़ाना। तो जो अशुद्ध जानवर के पहलौठे पैदा होंगे उसके लिए क्या करना? उसके लिए एक मेमने की बलि चढ़ाना यहोवा को। अगर उसको तुम बचाना चाहते हो तो मेमने की क्या करना? इसराइल परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, पूरी हुई कौम है। परमेश्वर ने इसराइल के संग एक अलौकिक विचित्र वाचा बांधी कि हर पहलौठा मेरा है। हालेलुया। मेरा होगा पहलौठा और वो मेरी सेवा करेगा। लेकिन इसराइल ने प्रभु के हुक्म को माना नहीं, तो फिर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने फिर अपना विधान इसराइलियों के लिए बदला नहीं, लेकिन अपने विधान को एक्सपेंड किया। परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला कि अब मैं तुम्हारे में से एक गोत्र अपने लिए चुन लेता हूं। प्रभु तो चाहता था हर पहलौठा प्रभु की सेवा करे, लेकिन अगर इसराइली अपना पहलौठा यहोवा को नहीं देना चाहते तो प्रभु ने 12 गोत्रों में से एक गोत्र को क्या किया? अपने लिए चुन लिया कि लेवियों का गोत्र सिर्फ मेरी ही सेवा करे। हालेलुया। मेरी ही खिदमत करेगा। प्रभु तो चाहता था हर पहलौठा, हर घर में से एक पहलौठा याजक हो, हर घर में से एक पहलौठा प्रभु की परस्तिश करने वाला हो, हर एक घर में से एक पहलौठा लाही हो, हर एक घर में से एक पहलौठा परमेश्वर की हैकल में खिदमत करने वाला हो। लेकिन मनुष्य प्रभु को लौटाता नहीं है। प्रभु से लेता बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु को वापस नहीं करना करता है।
हालेलुया नहीं करता। हालेलुया। तो जो पहलौठा होता है वो बड़ा बुद्धिमान निकलता है, तो फिर व्यक्ति सोचता है इसको तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा। फिर दूसरा बच्चा होता है सोचता है इसको प्रभु को दूंगा, लेकिन वो भी बड़ा इंटेलिजेंट निकलता है, बुद्धिमान निकलता है। तो फिर वो व्यक्ति सोचता है इसको मैं विदेश भेजूंगा, ये पायलट बनेगा। फिर तीसरा उसके घर में पैदा होता है वो दारू पीता और नशे करता है, चर्सी भंगी गांजा करने वाला होता है। फिर पास्टरों के निमित्त करते हैं हमारे बच्चे के लिए दुआ करो, तो वो नहीं सुधरता। फिर अंत में क्या कहते हैं, पास्टर जी इनको कितने बाइबल स्कूल ही भेज दो। मैं ईसाइयों की बात बता रहा हूं आपको, प्रभु को नहीं देते कुछ भी, प्रभु उनको इतना कुछ देता है पर प्रभु को लौटा के नहीं देते। फिर जीवन का अंत में हशर क्या होता है, अंत में जीवन का हशर आपका ये होगा कि आपको कुछ भी मिलेगा जगत में, इस जगत को जितना भी कमा लोगे ना, जितना इकट्ठा कर लोगे उतना ही आपको धोखा देगा अंत में। हालेलुया। तो प्रभु जो हमें कहता है ना करने के लिए, वो हमारे भले के लिए कहता है, वो उत्तम बात होती है, उसमें हमारी तरक्की होती है, उसमें हमारी भलाई होती है, उसमें ही हमारी आशीष होती है। लेकिन हम अपनी चतुराई से पेश आते हैं प्रभु के साथ, फिर जान फिरकी में फंसती है, समझे। हालेलुया। और नफा नुकसान अगर अंत में देखोगे तो प्रभु की अवज्ञा करने से, आज्ञा ना मानने से नुकसान होता है, कभी किसी का नफा नहीं हुआ। आज तक मैं पूरी दुनिया में जाता हूं प्रभु की सेवा करने, आज तक मुझे एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने प्रभु के लिए कुछ दिया हो और बाद में पछताया हो, एक बंदा नहीं मिला। हालेलुया। तो प्रभु ने इज़राइलियों को नियम दिया कि पहलौठा किसको देना है, मुझे देना। तो प्रभु ने एक नियम दिया इज़राइलियों को कि जो शुद्ध जानवर है वो तो तुम मुझे चढ़ाना। अब इसका पढ़े 13 वचन, 13 का 13 पढ़े। हर खोते दे ले ले, हर खोते दे पलोठे नूं ले ले नाल चढ़ा लवे। प्रभु ने क्या कहा कि हर जानवर शुद्ध मुझे चढ़ाना, लेकिन जब गधा पैदा होगा ना, गधा उसको मुझे नहीं चढ़ाना, खोता मुझे नहीं चढ़ाना। इसराइल जो खोता चढ़ाते हैं प्रभु को, 10 रुपए का नोट गुच्छू करके देते हैं, पता नहीं कितनी सदियों से देते आ रहे हैं, कितना होता है एक बिल्कुल छुपा के देते हैं, सोचते हैं वचन पूरा कर रहे हैं कि सज्जा दबे थे खब्बे नु पता, पर हकीकत यह होती कि उनका 10 रुपया नोट है। प्रभु ने बोला, क्या बोला प्रभु ने बोला, गधे मुझे नहीं चढ़ाना। अगर एक गधी मादा के गधा पैदा हुआ तो उस गधे को क्या करना है, मुझे चढ़ाना नहीं। तो प्रभु कहता है उस गधी के बच्चे को अगर तुम बचाना चाहते हो, है तो वो मेरा है पलौठा, पर वो अशुद्ध है, इसलिए अगर तुम उस गधी के बच्चे को बचाना चाहते हो तो उसके बदले में मेमना कुर्बान करना है। क्या कुर्बान करना है? गधी के बच्चे के लिए किसकी कुर्बानी दी जाएगी? मेमने की दी जाएगी, लेले। अगर तुमने उसको नहीं बचाना है तो उसको अपने घर के बाहर जाके बांध देना, और क्या करना, उसकी गर्दन को तोड़ देना। हालेलुया। तो गधे के लिए भविष्य उसका बड़ा, पहलौठा जो है ना उसका भविष्य बड़ा दुख से भरा है। तो गधी जब गर्भवती होती है तो शायद दुआ करती होगी कि मेरे मुंडा ना कितने पैदा हो जाए, नहीं देना नहीं होगी तो हूं कुड़ी हो जाती वही है। तो अगर पहलौठा गधा हुआ तो उसकी गर्दन क्या कर दी जाएगी, तोड़ी जाएगी। लेकिन अगर गधे की गर्दन टूटने से बचानी है तो एक मेमने को उसकी जगह क्या होना पड़ेगा, कुर्बान होना। अब पढ़िए आप 31 अध्याय मत्ती रची सुना, मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसके पहले वचन से। जाओ यरूशलेम दे नेड़े आए और जब तूं दे पहाड़ उत्ते बैतफगा कोल पहुंचे तो यीशु ने दो चेलियां नूं कढ़िया अते उन्हां नूं कहा, उस पिंड नूं जेड़ा तुहाडे सामने है जाओ अते वड़दे ही तुसी एक गधी बन्नी हुई
और ओदे नाल बच्चे नु पाऊंगे सो खोल के मेरे को ले आओ। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी हफ्ते में, कितने दिन रह गए यीशु मसीह के? एक हफ्ता रह गया। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बेथफगे जा रहे हैं। बेथफग, बेथफग एक गांव है, उसे बेथफग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे इंजीर के दरख्तों के बाग है, इंजीर के दरख्तों के ऑर्चर्ड है बड़े बड़े। तो यीशु मसीह जब वहां पहुंचे तो अपने दो चेलों को कहते वो सामने वाले गांव में जाओ, और जैसे गांव के अंदर घुसोगे वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? एक गधी जिसने गधे को जन्म, उसका गधा भी मिलेगा बच्चा, और गधी मां भी मिलेगी। तो तुम जाओ और जाके गधी के बच्चे को क्या करो? खोलो। वो रस्सी से क्या किया गया है? बंधा है। गधी का एक बच्चा है जिसे यीशु मसीह ने देख लिया। जैसे यीशु मसीह इस गांव में आया और यीशु मसीह ने मान लो हुशियारपुर के पास एक गली में एक गधी को और एक गधी के बच्चे दोनों को देख लिया। और यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों को? जाओ उस गधी के बच्चे की रस्सियां खोलो। हालेलुया। और उस गधी के बच्चे को मेरे पास। ये गधी का बच्चा रस्सियों से संगलों से बंधा हुआ है। आपको मालूम क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि जो घर वाले हैं इन्होंने घर के बाहर इसलिए बांधा इसको क्योंकि वो मेमना दे के इसे छुड़ाना नहीं चाहते। मेमना कीमती है, मेमना महंगा है, गधी के बच्चे का कोई मोल नहीं है, तो वो इसे छुड़ाना नहीं चाहते हैं। इस गधी के बच्चे की गर्दन तोड़ी जाने वाली है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है इस गधी के बच्चे की गर्दन में टूटने नहीं दूंगा, जाओ इसकी रस्सी खोलो। यीशु मसीह गधों की रस्सियां खोलता है। क्या करता है? संगल जंजीरें खोल देता है गधों की। हालेलुया। और उन्हें क्या करता है? आजाद करता है। हालेलुया। और आजाद करने के बाद अपने पास लेके आता है। यीशु मसीह चेलों को कहता है इस गधी के बच्चे को आजाद करो और इसे मेरे पास लेकर आओ क्योंकि इस गधी के बच्चे की जगह मैं मरने जा रहा हूं। यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना 1:31 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जोर से चिल्ला के कहता है जब यीशु मसीह को यर्दन के तट पे आते देखता है, कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के, परमेश्वर ने एक इलाही मेमना भेजा है धरती के ऊपर, परमेश्वर ने एक अद्भुत मेमना भेजा जो आखिरी रोटी है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसके डीएनए में पाप नहीं है, जिसके आरएनए में पाप नहीं है, जो पाप से रहित है, जो निष्कलंक लीला है, निष्कलंक मेमना है, वो जगत में आपके और मेरे लिए मरने आ रहा है। आप और मैं गधे थे, माफ करना आपको ठोस ठेस ना लग जाए कहीं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, ये जो गधा है ना जिसको यीशु मसीह आजाद करता है, ये गधा मैं था, ये गधे थे आप। हालेलुया। और हमारी पाप की वजह से क्या होनी थी? क्योंकि पाप की मजदूरी जो जान पाप करेगी सचमुच, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। पाप का दंड है मृत्यु। हमारी गर्दन तोड़ी जानी थी क्योंकि हमारी गर्दन के ऊपर शैतान ने जुआ रखा हुआ था। तो यीशु मसीह छुड़ाता है ना जब गधे को, तो यीशु मसीह पता क्या कहता है? कहता है मेरा जुआ ले ले, मेरा जुआ। हम गाते हैं ना, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, वो है दायम व तख्त उसका कायम भी है, वो है दायम व तख्त उसका कायम भी है, वो है अलशे यही वो है अदो नहीं, मेरा यसु यसु मेरा यसु यसु। यसु मसी अपना जुआ हमें देता है और हमारी गर्दन से साड़ी तौण तो शैतान के जुए नु यीशु मसीह तोड़ता है, शैतान के संगला नु तोड़ता है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इस गधी के बच्चे को क्या किया? मौत के मुंह से, गर्दन टूटने से बचा लिया। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? जिस यीशु मसीह के बारे लिखा था चौथा अध्याय जकरिया नबी की पुस्तक के, जो चौथी आयत जकरिया नबी की पुस्तक के 14 अध्याय में, कि देख सियोन की बेटी डर मत, तेरा दूल्हा गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के सवार होके हलीम और दीन बन के आता है। तो यीशु मसीह गधी के बच्चे को छुड़ाता है और यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर क्या हो जाता है? सवार हो जाता है। और किधर जाता है यीशु मसीह?
यरूशलम के अंदर हालेलुया शाही एंट्री करता है यीशु मसीह। यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता बाकी है हालेलुया। कुछ दिनों के बाद क्रूस में चढ़ाया जाना है। लेकिन आपको मालूम गदी के बच्चों में कौन बैठते थे? राजे बैठते थे। अगर राजा आता था ना सुलह के लिए, शांति के लिए, तो गदी पे बैठ के आता था। अगर राजा आता था लड़ाई करने के लिए तो घोड़े पे बैठ के आता था। यीशु मसीह सुलह के लिए आया पहली मरतबा। यीशु मसीह पापियों का मेल कराने के लिए आया। यीशु मसीह पापी, गुनेगार, वेश्या, मसूल लेने वाले, हर तरह के गंदे पाप की दलदल में लिबड़े लोगों को अपने संग मिलाप कराने इसलिए गदी के बच्चे के ऊपर बैठा है। तो उस गदी के बच्चे के ऊपर चेले यीशु मसीह को बिठाते हैं। सृष्टि का मालिक गदी के बच्चे पे सवार होता है। तारों को बनाने वाला, अंबर को तंबू की तरह तानने वाला, समुद्रों के पानियों को हाथ में उठा लेने वाला, पवन को पंख बना के उठने वाला, पहाड़ों से विशाल, जिसके नाम की कुदरत है, जिसके कोप के आगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं, वो महाप्रतापी परमेश्वर एक हम्बल, दीन, दरिद्र गदी के बच्चे के ऊपर बैठा है। गदी के बच्चे के ऊपर बैठता है, यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है, तो जैसे आपने खजूर की टहनियां पकड़ी थी, ऐसे लोग खजूर की टहनियां पकड़ के क्या बोलते हैं? होसैना, होसैना। होसैना का मतलब क्या है? हे प्रभु हमें बचा। होसैना का मतलब क्या है? प्रभु हमें बचा ले। हालेलुया। यीशु मसीह गदी के बच्चे के ऊपर आता है, सारा यरूशलेम गाता है, होशैना होशैना, धन्य है वो जो यहोवा के नाम पे आता है। किसके नाम पे आता है? यहोवा के नाम। तो लोग सड़कों के किनारे खड़े हैं, वो खजूरों की टहनियां कहाँ रखते हैं? सड़कों पे बिछा देते हैं। फिर लोग अपने कपड़े क्या करते हैं? सड़कों पे बिछा देते हैं। तो जो गदी का बच्चा होता है वो खजूर की टहनियों के ऊपर चलता है। ऐसे जो गदी का बच्चा है वो किसके ऊपर चल रहा है? कपड़ों के ऊपर। कीमती कपड़े लोग उतार के रखते हैं, तो गदी का बच्चा उस पर चल रहा है। और वो गदी का बच्चा सोचता है, अरे मैं बड़ी खास चीज हूँ, देखो लोग इतने, मतलब मैं इतना मसा संत, मैं बिशप, आज बिशप, प्रॉफिट, पापा, डैडी, मैं कितना खास बंदा हूँ। लोग तो कपड़े उतार के, उस गदी के बच्चे को ये नहीं पता, इसीलिए वो गदा है। उसको मालूम नहीं है कि लोग अपने कपड़े तेरे खातर नहीं उतार रहे। किसकी खातिर उतार रहे हैं? यीशु की, जो तेरे ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। गदी का बच्चा घमंड से अगर भर जाए तो वो बहुत मूर्ख है, क्योंकि वो भूल गया है कि अभी एक घंटा पहले तेरे को रस्सी से बांधा हुआ था, तेरी गर्दन टूटने वाली थी। ये जो तेरे ऊपर बैठा है, इसने अपनी जान तेरे लिए देनी है, ये तेरे लिए क्रूस पे लटकेगा और तेरी जान इसने बचाई है। गदी के बच्चे को शुक्रगुजारी से भरे होना चाहिए। गदी के बच्चे का दिल गदगद रहना चाहिए धन्यवाद से। उसे आकरना नहीं चाहिए कि मेरे पास तो बड़ा पैसा आ गया, मैं तो बड़ा धनी हो गया, मेरी तो पता नहीं कितनी सेवकाई फैल गई, मेरे पास तो गाड़ियां हैं, जमीन है, बंगला है। अगर इन चीजों पे आप गुरूर करते हो तो आप गदी के बच्चे से भी बदतर हो, क्योंकि हमारे पास गुरूर करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी तो गर्दन तोड़ी जानी थी, हमें तो शैतान ने जंजीरों से बांधा था, हमारी जगह लीला कुर्बान हो गया मेमना। परमेश्वर ने कहा, उस गदी के मालिकों ने तो कहा हम नहीं बचाएंगे गदी के बच्चे को, लेकिन हमारे मालिक ने कहा मैं मेमना ले रहा हूं अपना, ये विनोद जैसे गधे को बचाने के लिए। आपको मालूम यीशु मसीह के गदी के बच्चे पे बैठने से पहले, और जब यीशु मसीह गदी के बच्चे से उतर गया, किसी ने नहीं जाना उस गदी के बच्चे को। किसी को पता सी खोते के बारे? यीशु मसीह ने बैठ तो पहला यीशु मसीह ने हालेलुया। इसलिए सानू महिमा और जलाल किसे देना है? क्योंकि लोग जो कुछ भी कर रहे ना, तुहाडी तारीफ कर रहे, तुहाडी वाहवाह कर रहे, तुहानू गुरु जी कह रहे, फलाना असीं कुछ भी नहीं है, असीं खाने ते टॉयलेट जाने हैं, एवें यीशु मसीह की महिमा ले जा रहे हैं असीं। महिमा किसे देनी है? यीशु मसीह को देनी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना में ये सिखाया कि पिता से कहो हमारी आज की रोटी हमें, आप केवल रोटी खा सकते हो। और प्रार्थना के अंत में कहा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल ये मत खाना। ये किसे देना? कभी ना कहलवाना पापा डैडी, बिशप, आर्च बिशप, प्रॉफिट, फलाना ढिमका, लेकिन एंटाइटलमेंट के पीछे मत भागना, साधारण बन के रहना। ये जानना कि तेरे गले में
संगल डाला हुआ था और तेरी गर्दन टूटने वाली थी, यीशु मसीह ने तेरी जगह ले ली। मेमना तेरी जगह चढ़ गया, उसने बोला मैं गधे को बचाऊंगा, मैं गधे को नया जीवन दूंगा, ये गधा मेरी महिमा करेगा, इस गधे पे मैं सवार होऊंगा, ये गधा हमेशा जानेगा कि मैं बचा हूं मेमने के लड़ से, मेरी जगह मेमने ने ले ली। आपको मालूम यीशु मसीह को कोड़े मारे पिलातुस ने, क्योंकि पिलातुस यीशु मसीह को सलीब चढ़ाना नहीं चाहता था। उसकी बीवी को ख्वाब आते थे यीशु मसीह के, वो अपने ख्वाबों से बोलती थी ये धर्मी बंदा है इसके ऊपर हाथ। पिलातुस कांपता था यीशु मसीह के आगे और नहीं चाहता था, उसने व्यवस्था में आके यीशु मसीह को 39 कोड़े मारने की सजा दी, इसलिए कि वो 39 कोड़े मार के यीशु मसीह को छोड़ देगा। तो उसके बदन पे जब कोड़े मारे गए, उसे लांग तांग किया गया, कुचला गया आपके और मेरे लिए, यीशु मसीह घायल किया गया, कुचल दिया गया, जैसे अंगूरों को क्रश किया जाता है उनमें से दांत रस निकालने के लिए, जैसे जैतूनों को मसल दिया जाता है ताकि उनमें से तेल निकले, यीशु मसीह को मसल दिया गया। एको और ऐसे पिलातुस अपने प्रिटोरियम में ऐसे ऊपर छज्जा बना था, छज्जे के अंदर दो दरवाजे थे, वो छज्जे के दरवाजे में यीशु मसीह को लेकर आया और दूसरे छज्जे के दरवाजे में था बरबाबा। कौन था? पिलातुस कहता है लतीनी भाषा में एको होमो, इस मर्द की ओर देखो, कोरों की मार से लहू लुहान था और सर पे कांटों का दाज लटकता था। एको होमो, इस मर्द को देखो, उसके अंदर कोई ऐब, कोई पाप, कोई गुनाह, कोई बदकारी, कोई हरामकारी नहीं थी, वो निष्कलंक परमेश्वर का लीला, सूर्य से अधिक तेजवान था वो, ज्योति का मंबा आपके और मेरे लिए कुचला गया। तो पिलातुस कहता है मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं? दो खड़े थे वहां पे, एक यीशु नासरी और एक डाकू बराबा। आपको मालूम बराबा का मतलब क्या होता है? बराबा हिब्रू वर्ड है, इसका बार अब्बा, बार का मतलब होता है बेटा, अब्बा का मतलब पिता, पिता का पुत्र, बराबा ने नाना मतलब किए पिता का पुत्र, तो यीशु मसीह का नाना मतलब भी किए केना पुत्र, अनंत काल दे स्वामी परमेश्वर के वो वाला पुत्र है, एक स्वर्ग दे अत पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, ते दूजा धरती दे इंसान का पुत्र है बराबा। आपको मालूम क्रूस पे किसको चढ़ना था? बराबा को चढ़ना था, क्योंकि जो दो चोर चढ़ाए गए वो बराबा के साथी थे। तो तीसरा बंदा वहां पे आना था, लेकिन उसकी जगह किसने ले ली? यीशु ने ले ली। अरे बराबा जैसा गधे आप और मैं थे, हालेलुया, आपकी और मेरी जगह किसने ले ली है? खुदा, आप और मुझे घमंड करने की कोई जगह नहीं। लोग कितनी हमें चने के झाड़ पे चढ़ाए, आपको और मुझे चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे गले में मौत का फंदा था। हालेलुया, हमारा मौत का फंदा किसने ले लिया? खुदावंद यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जो हमें आदर मिल रहा है ना, वो हमारे करके नहीं मिल रहा है, उसके करके मिल रहा, जो हमारे ऊपर सवार है, जिसका रूह हमारे पे साया कर रहा है, उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह। हमें उस महिमा को, उस जलाल को किसकी ओर लेके जाना है? जो इसके लायक है, जो इसके इसका हकदार है, जो आपके और मेरे लिए एक खौफनाक मौत क्रूस पे मरा, खुदावंद यीशु मसीह, उसको जलाल देना। आपके जीवन से अगर यीशु मसीह को जलाल नहीं मिल रहा, आपके जीवन से अगर यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रही, आपके जीवन से अगर यीशु मसीह का नाम ऊंचा नहीं हो रहा, तो आपका जीवन व्यर्थ है। समझ रहे आप? ये जो ट्यूब लगी है ना, ये जल रही है, तो ये अपने जीवन का मकसद पूरा कर रही है। अगर ये ट्यूब ना जले तो क्या करोगे आप? एक दो बार। हालेलुया। अगर हम ऐसे चमकेंगे यीशु मसीह के लिए, तब हमारे जीवन का मकसद पूरा होगा। हालेलुया। आप और मैं, हमारी गर्दन टूटने से किसने बचाई है? यीशु ने। आइए हाथ उठा के उसका धन्यवाद करें। तारीफ का मैं देवा बलिदान, पले आइया जदो यार शरण, गाइए
तारीफ दा मैं मैं आप हैरान हां। राधे दासा का वचन